Hello, welcome to our YouTube channel. This is Itu Somi from RKIIT campus, and today I'm going to discuss about hypersensitivity reaction type 3. In previous videos, I have told you about hypersensitivity, it's type 1 and 2, and here we discuss this reaction. This reaction basically involves the formation of antigen and antibody complex. बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एग्रीगेट बनता है जिससे जो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, एंटीजन और फॉरेन एंटीजन यू कैन से, एंड बॉडी में जो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बन रही है, ठीक है, उनके बीच में एक एग्रीगेट बनता है, फिर वो एग्रीगेट फर्दर आपकी इम्यून सिस्टम के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है, फिर वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किल करता है फर्दर. सो बेसिकली इट इज मेडिएटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी एग्रीगेट कॉल्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स और इम्यूनो कॉम्प्लेक्स. फिर ये इम्यूनो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये इम्यूनो कॉम्प्लेक्स फर्दर आपकी एक्टिवेशन करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, ठीक है. ये इम्यून कॉम्प्लेक्स आपका कहीं पर भी बन सकता है, दिस कैन पार्टिसिपेट और दिस कैन फॉर्म इन वेरियस टिश्यूज लाइक स्किन, जॉइंट्स, वेसल्स एक्सेट्रा, ठीक है, कहीं पर भी बन सकता है कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट, आफ्टर फॉर्मेशन इट ट्रिगर्स द कॉम्प्लीमेंट पाथवे. व्हाट हैपेंस इन द कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेशन, बेसिकली क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में क्या होता है, इंफ्लामेटरी सेल्स, कुछ इंफ्लामेटरी सेल्स हमारी बॉडी के WBC हैं टाइप के, स्पेशल टाइप के, लाइक न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये आपके रिलीज हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के बाद, एंड देन दे रिलीज सम लाइसोसोमल एंजाइम्स. बट आर लाइसोसोमल एंजाइम्स, बेसिकली लाइसोसोम क्या होता है, आपका रिसाइकल बीन होता है एक सेल का, तो लाइसोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो भी आपके सेल्स के अंदर वॉर्न आउट थिंग्स होते हैं, वॉर्न आउट ऑर्गेनलीज होते हैं, फॉरेन पैथोजेंस होते हैं, उन सबको ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किल कर देते हैं, ठीक है. अल्टरनेटिवली यू कैन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, तो वो उसको डाइजेस्ट करके कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं सेल्स के बाहर, तो यही काम यहाँ पर होगा, दे विल रिलीज दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड कोज टिश्यू डैमेज देयर, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स से एक्टिवेट होकर ये लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज करेंगे एंड फर्दर किल कर देंगे उस पैथोजन को बाय प्रोड्यूसिंग द इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और डैमेजिंग, तो टिश्यू डैमेज वहां पर हो जाता है. एग्जाम्पल आपका इस टाइप के रिएक्शन का दिखता है डिजीज लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें ज्वाइंट इंफ्लेमेशन हो जाती है, सीरम सिकनेस एंड फार्मर्स लंग्स, जिसमें निमोनिया लाइक सिम्टम्स होते हैं आपकी ब्रोंकाइटिस में. So these symptoms can happen in hypersensitivity reaction type 3. Thank you for watching the video.